लोग जो कि बहुत कम लोग जो कि हमारे किबो में है, तो बाहर का पब्लिक आएंगे तो हमारा कॉइन को वो लोग खरीदेंगे। इसके लिए हमने बिटमार्ट को चुना है। एक मैसेज भेजे थे, टैंक एम्प्टी और फ्यूल फुल और जर्नी सक्सेसफुल। इसका जो उन्होंने बताया था उसको आप जैसे जैसे हमारा मीटिंग खत्म होते जाएगा तो आप सभी को उसके सारांश पता चलेगा। डैडी जी का कहना है कि अभी एक एक्सचेंज आप लोग के सामने लेके आए हैं और दो एक्सचेंज लेके आएंगे बहुत जल्द। वो तीनों एक्सचेंज में जैसे आ जाएगा तो आपको स्वैप का ऑप्शन मिल जाएगा। स्वैप का ऑप्शन मतलब क्या होता है कि आप दूसरे कॉइन से भी हमारा कॉइन को आप खरीद सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा क्योंकि डैडी जी ये एक्सचेंज देने के बिटमार्ट देने के बाद दो एक्सचेंज रेडी कर रहे हैं, वो भी आप लोग के सामने लेके आएंगे। ओके, वर्ल्ड के अंदर 40 करोड़ क्रिप्टो यूजर्स हैं, उसमें से डैडी मोरक्स सर 40 करोड़। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि जितने भी क्रिप्टो यूजर्स हैं वो 40 करोड़ यूजर्स है, वो ओनली कितने एक्सचेंज में है, ओनली 430 एक्सचेंज में ही है ये सारे लोग। जी का कहना है कि 40 करोड़ जो यूजर है क्रिप्टो करेंसी का, तो उसमें से डैडी जी बोल रहे सभी का सभी लोग मेरे साथ चाहिए। और डैडी जी का कहना है कि हमारा जो बिटमार्ट देने के बाद दो दो एक्सचेंज और देंगे, उसके बाद जैसे सेफ चालू हो जाएगा हमारा, उसके बाद जितना भी बाकी जितना भी एक्सचेंज है वो सारा एक्सचेंज के अंदर डैडी जी हमारा कॉइन को लेके जाएंगे। कि बिटकॉइन को आप सभी लोग जानते हैं और बिटकॉइन को 40 करोड़ लोग यूज नहीं करते हैं और बहुत सारे एक्सचेंज में बिटकॉइन भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा डैडी जी का कहना है केबीसी जो हमारा कॉइन है ये 430 एक्सचेंज के अंदर रहना चाहिए और इसमें 40 करोड़ जो यूजर है सभी के पास से हमारा केबीसी रहना चाहिए। ये डैडी जी का कहना है। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि अभी कॉइन जो हमारा है केबीसी कॉइन को कितना रेट में एक्सचेंज के अंदर रखने वाले हैं, और एक बार एक कॉइन को सोचिए बिटमार्ट में रखे हैं कुछ अमाउंट के ऊपर, फिर उसी को दूसरा एक्सचेंज में जाएगा तो वो रेट चेंज होगा। ठीक है, तो इसके लिए डैडी जी का कहना है कि जैसे ये अभी मैं एक बिटमार्ट में कितना रुपया में रखने वाला हूँ उसके बारे में अभी डैडी बताएंगे। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि हमारा जो कम्युनिटी है सभी लोग सेलिंग के लिए रखते हैं, कोई बायर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग सेलिंग के लिए रखेंगे तो क्या होगा, अभी जैसे बीसीटी वगैरह में आप लोग देख रहे हैं वैसा हमारा एक्सचेंज के अंदर भी हो सकता है। इसके लिए डैडी जी क्या कर रहे हैं कि उसको दो या तीन तरीके से कैसे रखना है, क्या करना है, उसके बारे में डैडी जी आप बताएंगे। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि जैसे कि हमारा कीबो कॉइन है उसमें भी हम केवाईसी जैसे कर रहे हैं, ऐसे ही हम जितना भी एक्सचेंज हमारा आएगा, जितना भी एक्सचेंज में कंपनी हमारा कॉइन को लिस्टेड करेगी बिटमार्ट में, जैसे हम कंप्लीट किए हमारा केवाईसी, ऐसे ही हर एक उसमें हमको केवाईसी कंप्लीट करना जरूरी है। ओके, दोस्तों डैडी जी का कहना है कि आपको केवाईसी करना कंपलसरी है सभी को, और सभी लोग को कॉइन रख नहीं सकते, वहां पे लेके जाने के लिए आपको बिटमार्ट में भी केवाईसी करना पड़ेगा और वहां पे भी आपको, क्योंकि हमारे पास ओनली 3 करोड़ कॉइन्स है अभी और सभी लोग एक ही साथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सभी लोग हर जगह पे केवाईसी किए नहीं है। और केवाईसी जैसे कंप्लीट होगा उसके ऊपर डैडी जी फिर बताएंगे कैसे करना। डैडी जी का कहना है कि 40 करोड़ जो यूजर है उनको एक एक कॉइन भी हमारा कीबो कॉइन लेना है तो उनको 15 ईयर्स लग जाएगा, 15 ईयर्स, क्योंकि हमारा हर साल 2 करोड़ कॉइन निकलेगा तो आप सोचिए कि कितना साल लग सकता है। डैडी जी का कहना है 15 साल आपको लगेगा कि हर एक यूजर जितने भी हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी 40 करोड़ यूजर्स है उन लोग को एक एक कॉइन जाने के लिए 15 साल लग जाएगा। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि 40 करोड़ लोग क्या हमारा कॉइन खरीद लेंगे। डैडी जी बोल रहे हैं हाँ 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे कॉइन को खरीदेंगे, उसके लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है जो कि मैं 4 से 5 महीने के बाद उसको मैं लेके आऊंगा, और वो आने के बाद आप देखेंगे
कि उससे ज्यादा 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसको खरीद लेंगे, और उससे ये तो ब्रह्मास्त्र बाद में लॉन्च होगा क्योंकि 4 से 5 महीने लगेगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज है जिसके बारे में डैडी बताएंगे, क्योंकि ये 4 से 5 महीने इसके लिए लगेगा ब्रह्मास्त्र को, क्योंकि वो उसको यूटिलिटी में लेके आएंगे तो ही हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके डैडी जी का कहना है कि आपके आप जो कीबोर्ड के अंदर जो हमारा स्टेकेबल कॉइन बहुत है, लाख लाख भी हो सकता है, कि एग्जांपल बता रहे थे, लाख कॉइन तो आप लेके नहीं जा सकते इंटरनेट एक्सचेंज में, लेकिन वहां से आप इंटरनेट एक्सचेंज में आप खरीदते हैं कॉइन को, तो उससे आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं उसके बारे में डैडी अभी बताएंगे। चपन डैडी दोस्तों डैडी जी का कहना है कि हम इंटरनेट एक्सचेंज में भी हम यूटिलिटी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा इंटरनेट एक्सचेंज देने के बाद आपको माइनेट्स के ऊपर हम बात करेंगे, माइनेट्स के ऊपर काम करेंगे, तो आपका जो कॉइन का रेट है बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। उसके लिए कंपनी कुछ प्रोजेक्ट लेके आई है और कुछ प्रोडक्ट लेके आई है, वो सारा प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको कॉइन कंपलसरी है, कॉइन से ही आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब कुछ परसेंटेज कॉइन देना पड़ेगा आपको, कुछ परसेंटेज कैश देना पड़ेगा, जो भी है डैडी बताएंगे, तो उसके हिसाब से आपका कॉइन का रेट बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ने वाला है, वो डैडी जी बता रहे हैं। ओके डैडी जी का कहना है कि आप सभी को पता है हमारा यूटिलिटी में अभी जो हमारा के एक्सचेंज के हमारा जो माइनेट्स है बीसीडी से माइनेट्स में जा रहे हैं हम लोग, माइनेट्स में रिवार्ड पॉइंट में कन्वर्ट होता है, तो ऐसा ही वो यूटिलिटी में काम आएगा, तो इसलिए डैडी जी बोल रहे हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसका भी कॉइन को कंपनी क्या करेगी यूटिलिटी के हिसाब से माइनेट्स के अंदर एक्सेप्ट करेगी। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि हमारा कॉइन को यूटिलिटी में लेके जा रहे हैं, और ऐसे ही डैडी जी कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि कुछ कंपनी के साथ डैडी जी ने टाइप किए हैं, तो उसमें से एक कंपनी है जिसका रियल एस्टेट का बिजनेस चल रहा है, वो रियल एस्टेट का जो बिजनेस चल रहा है दोस्तों उसके अंदर डैडी जी ऐसा एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, उनका एक कंपनी है जिनका फ्लैट तीन स्टेट में है, वेंचर्स मतलब उनका जो वेंचर्स चल रहा है तीन स्टेट में चल रहा है, और एक कंपनी जिसके पास 8 स्टेट में उनका वेंचर चल रहा है। सोचिए एक एग्जांपल डैडी बता रहे हैं कि 10 लाख का फ्लैट ले रहे हैं, तो वहां पे आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज में वीटमार्ट में जो केबीसी कॉइन है वो आपको 1 लाख का कॉइन देना पड़ेगा, वो लेने के लिए आपको आपको आप खुद लेके आ सकते हैं, नहीं तो आप किसी को भी परचेज करवाते हैं तो उसको आपको सिखा के भी उसको केबीसी कॉइन देना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा हमारा ये जितना भी 1 लाख कॉइन आएगा उसको कंपनी क्या करेगी बंद कर देगी। डैडी जी का कहना है बहुत सारा लोग है जो कि गोल्ड शॉप वाले हैं, उनका बॉस स्टेट में है, वो लोग भी डैडी को अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और डैडी जी एक एग्जाम्पल फिर से बता रहे हैं जैसे कि आपको समझ में आए इसके लिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि सोचिए कि एक फ्लैट वाला फ्लैट सोचिए या घर सोचिए जो भी है जमीन सोचिए कोई भी आप ले रहे हैं, तो सोचिए 10 लाख का फ्लैट है तो उसमें 1 लाख रुपया आप दे रहे हैं, तो ऐसा 60,000 फ्लैट्स हमारे पास आने वाला है, तो उसमें सोचिए कि कोई 1 लाख देगा कोई 50,000 देगा, ऐसा सभी का वेरिएशन रहेगा, लेकिन एक राउंड फिगर के हिसाब से 1 लाख भी हम पकड़ते हैं, तो 1 लाख मतलब 60,000 फ्लैट बेचेंगे तो कितना लाख हो रहा है गिन लीजिए, 60 लाख कॉइन होगा, वो सारा कॉइन्स डायरेक्ट डैडी जी के पास चला जाएगा, तो वो सर्कुलेशन में फिर आएगा नहीं, मतलब आपका कॉइन का रेट कितना फास्ट और कितना बढ़ सकता है आप सब लोग सोच सकते हैं दोस्तों। ये एक एग्जांपल है, लेकिन आगे आपको बहुत सारा हमारा गोल्ड भी डैडी बता रहे थे, गोल्ड का भी आ सकता है आने वाले दिनों में। चपन डैडी ओके 300 करोड़ कॉइन था हमारे पास, उसमें से भी डैडी जी अभी ओनली 1440 करोड़ ही रखे हैं, और 860 करोड़ कॉइन कंपनी ने बर्न कर दिया, वो भी आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसा बर्न होने के बाद आप सोचिए आपका कॉइन का रेट कहाँ पहुंच सकता है। दोस्तों डैडी जी का कहना है कि 860 करोड़ जो कॉइन था उसको कंपनी उस खुद के लिए रखती, मतलब खुद के लिए डैडी रखते तो, और उसको एक एक रुपया में भी बेचते तो भी 860 करोड़ रुपया डैडी जी ने उसको बंद कर दिए हैं,
तो सोचिए कि उनका सोच किया है विवो कॉइन को ऊपर लेके जाना है और 1,00,000 रुपया पे पहुंचाना है, उनका उसका उनका मकसद है और उनका वे में वो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि मैं, आप सभी को पता है मैं इतना ये कर सकता हूं तो बंद कर सकता हूं, तो आप लोग मेरे साथ आइए और आप लोग आग बंद करके काम कीजिए, कुछ कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम साथ मिलकर करेंगे और हमारा कॉइन को